दोस्तों, मेरा नाम है नीलम। वेलकम टू मॉम की डायरी। आज के इस वीडियो में मैं अपने बेटे विवान, जो कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले 2 साल उसने कंप्लीट कर लिए हैं, 2 साल का वो हो गया है पूरी तरीके से, उसका पूरा ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक मैं उसे क्या खिलाती हूँ वो आज इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो अभी सुबह के 7:30 बजे हैं, विवान लगभग 7 बजे उठा था। तो फर्स्ट मील जो उसका होता है वो होता है दूध। ये ब्रेकफास्ट नहीं है, ये फर्स्ट मील है। उठते ही के साथ, उठने के आधे से पौने घंटे के अंदर अंदर मैं उसे दूध दे देती हूँ। ये काउ मिल्क है और लगभग मैं इसे 260 ml तक फिल करती हूँ। हल्का गुनगुना इसको रखती हूँ, मीठा वगैरह बिल्कुल नहीं करती हूँ। दूध मीठा करना बिल्कुल एडवाइज्ड नहीं है। इसमें अगर विवान 120 ml से ज़्यादा कुछ भी पी लेता है तो उनको सफिशियंट मैं मानती हूँ। तो वो भूख के अकॉर्डिंग कभी कम कभी ज़्यादा पी लेता है, कभी कभी वो पूरी बॉटल को भी खत्म कर देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है, उसके मूड पर डिपेंड करता है, उसकी भूख पर डिपेंड करता है। लेकिन ये फर्स्ट मील जाता है क्योंकि पूरी रात से जो होता है बच्चे का पेट भूखा होता है, पूरी रात कुछ गया नहीं होता। ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है, लेकिन ब्रेस्ट फीड में भी इतना मिल्क मुझे लगता है 2 साल के बाद इतना नहीं आ रहा होता है। तो उठते ही मैं चाहती हूँ कि उसे ऐसी कोई चीज़ मिले जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी रिच हो, प्रोटीन भी रिच हो। तो दूध एक कंप्लीट सोर्स है, तो दूध फर्स्ट मील इन द मॉर्निंग देने के लिए बहुत ही ज़्यादा आइडियल है। इससे क्या होता है कि जितनी डेली रिक्वायरमेंट बच्चे की प्रोटीन की होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है, उसकी काफ़ी हद तक 20% तक उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो पहले ही मील से पूरी हो जाती है। तो अभी मैं आधे पौने घंटे के अंदर अंदर, यानी अभी 7:30 बजे हैं, 7 बजे उठा था, ये मिल्क उसको दे दूंगी। उसके बाद मैं उसकी ब्रेकफास्ट की प्लानिंग करूंगी। तो चलिए विवान को दूध पिला के आती हूँ मैं। टाइम हो चुका है सुबह के 8:45 AM। 7:30 मैंने विवान को दूध दे दिया था, उसके लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंतराल पे मैं उसे ब्रेकफास्ट देती हूँ। ब्रेकफास्ट का टाइम इतना गैप ज़रूर होना चाहिए मिल्क और ब्रेकफास्ट में, ताकि ब्रेकफास्ट के टाइम तक आते आते बच्चे को अच्छी खासी भूख लग जाए और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उसे ब्रेकफास्ट खिलाने में। सेकेंडली, ब्रेकफास्ट जो होता है वो बहुत ही रिच होना चाहिए कार्ब और प्रोटीन में स्पेशली। तो हम लोग प्योर वेजिटेरियंस हैं तो मैं प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, इसलिए मेरे ब्रेकफास्ट में यूजुअली बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको मिलेगा बेसन और पनीर का चीला। आज मैंने उसके लिए बनाया है और इसे मैं प्योर घी में बनाती हूँ। इसके अलावा ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ब्रेकफास्ट में आप अनाज ज़रूर दीजिए। ये अनाज को आप बदल बदल के दीजिए, जैसे कि आटे का हलवा या फिर आटे की रोटी पराठा। सेकेंड आते हैं हम सूजी पे, सूजी का चीला, सूजी का उपमा, सूजी का हलवा। नेक्स्ट हम आते हैं बेसन पे, बेसन का हलवा, बेसन का चीला अल्टरनेट करके दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं चावल पे, तो चावल से जैसे डोसा, इडली, वड़ा या फिर चावल की खीर, ओट्स दे सकते हो। तो ये जो सारे अन्न हैं इनको चेंज कर करके दे सकते हो। मूंग दाल का चीला, दाल और अन्न को भी आप मिक्स करके दे सकते हो। तो ब्रेकफास्ट न्यूट्रिशनली डेंस होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट रिच होना चाहिए और प्रोटीन रिच होना चाहिए, ताकि जो पूरे दिन की बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, वो सुबह ही आप मेजॉरिटी पार्ट को पूरा कर लें। अगर दोपहर में बच्चा नहीं खाता या नखरे करता है तो भी आपको ये संतुष्टि रहेगी कि आपने ब्रेकफास्ट हैवी करा दिया था। और हमेशा से बोला गया है कि ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए, लंच ओकेश करना चाहिए और डिनर हल्का करना चाहिए। तो यही चीज़ मैं विवान के साथ फॉलो करती हूँ। मैं जा रही हूँ विवान को ये बेसन और पनीर का चीला खिलाने, और आगे आगे देखते हैं विवान और क्या खाएगा पूरे दिन में। तो अब टाइम हो चुका है लगभग 10:30 AM इन द मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट किए हुए विवान को ऑलमोस्ट 1.5 घंटा बीत चुका है। तो बाय दिस टाइम विवान की भूख एक बार फिर से बढ़ जाती है। तो अब टाइम हो चुका है उसका प्री लंच स्नैक्स का। ये दिन का पहला स्नैक्स है। इस स्नैक्स में मैं कोशिश करती हूँ विवान को कि फ्रूट कैटेगरी में से कुछ दिया जाए। तो आज मैं विवान को दे रही हूँ बनाना। बनानों को मैंने पतले पतले पीसेस में स्लाइस किया हुआ है और इसके ऊपर चंकी चाट मसाला डाला है। चंकी चाट मसाला मैं इसलिए डाला है क्योंकि इससे जो ब्लैंड फ्रूट है वो बच्चे के लिए और एडिबल और टेस्टी हो जाता है। आप इसकी जगह काले नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्नैक्स में मैं यूजुअली विवान को फ्रूट्स ही देती हूँ, या तो बनाना या फिर ऑरेंज या फिर एप्पल या फिर पोमेग्रेनेट ग्रेप्स। तो ये सारे फ्रूट्स विवान खा लेता है। और कभी कभी मैं उसको मिक्स्ड फ्रूट जूस भी देती हूँ। तो जूस में मोस्टली अनार और संतरे का मिक्स रहता है, कई बार हम उसमें ग्रेप्स भी ऐड कर देते हैं। तो फ्रूट जूस और होल फ्रूट्स
जो प्री लंच स्नैक्स है इसके लिए बेस्ट है। इसके अलावा आप मिल्क शेक्स और स्मूदीज भी इस टाइम पे बच्चे को दे सकते हो। इससे भी जो होता है कि सुबह सुबह ही बच्चे का मेजर न्यूट्रिशन गोल जो होता है पूरे दिन का वो पूरा हो जाता है, तो आपको मन में एक संतुष्टि रहती है। हर माँ की यही चिंता रहती है कि बच्चा कुछ खा नहीं रहा है, तो ये बहुत अच्छा वे है कि सुबह से जो मील्स आप दे रहे हैं वो हेल्दी होने चाहिए। लंच के बाद थोड़ा सा आप ढील बरत सकते हैं, लेकिन लंच तक जो भी मील्स होना चाहिए वो हेल्दी और वेल्दी होना चाहिए इन न्यूट्रिशन। तो चलिए अब मैं विवान को खिलाने जा रही हूँ ये बनानास और उसके बाद होगी लंच की प्लानिंग। दोपहर के 1:15 का समय हो रहा है अभी और अब समय हो चुका है लंच का। स्नैक्स और लंच के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप मैं रखना प्रेफर करती हूँ। तो 10:30 के करीब विवान ने स्नैक्स लिया था, तो 12:30 के करीब मैं उसे आज लंच दे रही हूँ। थोड़ा सा लेट ही हो गया उससे, तो 2 घंटे का जो गैप है वो देना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे की भूख पीक पर पहुँच जाए। और फिर बच्चा जब पीक पे होती है भूख उसकी, तो खाने में वो इतने ज़्यादा नखरे नहीं करता है। आज मैंने लंच के लिए बनाया है उसके लिए दाल चावल। दाल जो है छिलका मूंग दाल है और चावल है। दाल चावल विवान को यूजुअली बहुत पसंद है और बहुत अच्छे से उसको खा लेता है, पूरा फिनिश कर लेता है। एंड दाल की वैरायटी मैं रखती हूँ, कभी अरहर की बन जाती है, कभी धुली हुई मूंग बन जाती है, कभी चना दाल बन जाती है, लेकिन चावल के साथ उसका कॉम्बो अच्छा रहता है। इसके अलावा लंच में जो यूजुअली हमारे यहाँ रहता है कढ़ी चावल, विवान को बहुत पसंद है। लेकिन एक चीज़ बच्चों को ये सब देते हुए ध्यान रखनी है कि उसमें जो टमाटर और प्याज है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके डालो। हम भी जब बच्चे थे तो हमें भी ये चीज़ें पसंद नहीं होती थी और हमारे बच्चों को भी वो चीज़ें पसंद नहीं है। तो जो ग्रेवी होनी चाहिए वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। तो कढ़ी चावल ऑप्शन में रहता है, दाल चावल ऑप्शन में रहता है, चावल के साथ पालक पनीर की सब्जी मैं अक्सर देती हूँ। चावल के साथ मैं पनीर की जो ग्रेवी वाली, टमाटर और प्याज की जो ग्रेवी है वो देती हूँ। और यही सारी जो सब्जी और दाल और कढ़ी है आप रोटी के साथ दे सकते हैं, आप पराठे के साथ दे सकते हैं, आप दाल पराठा बना सकते हैं लंच के टाइम पे। और इसके अलावा लंच में आप कोई भी सब्जी रोटी या फिर अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से दे सकते हो। और एक और चीज़ है, रायता भी मैं बहुत ज़्यादा देती हूँ, तो दही का भी जो आइटम है वो आप चावल के साथ दे सकते हो या फिर पराठे के साथ दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शंस हैं जो कि आपके पास लंच में अवेलेबल है। लंच एक बात ध्यान रखें कि बहुत ही हैवी होना चाहिए, न्यूट्रिशनली डेंस होना चाहिए। अब मैं कराने जा रही हूँ विवान को लंच, और विवान 7 बजे उठा था तो 6 घंटे बाद वो सो जाता है, 1 बजे वो सो जाता है। तो लंच करने के बाद वो मेरी फीड लेके सो जाएगा और फिर वो 3 घंटे तक सोता है, और उसके बाद उसका इवनिंग स्नैक्स डिनर और मिल्क होता है। वो सब चीज़ें मैं क्या क्या खिलाती हूँ वो आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। हर पेरेंट को एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर पेरेंट को फिगर करना पड़ता है कि उसके बच्चे को क्या पसंद है, लोकली क्या फूड्स अवेलेबल हैं उस हिसाब से, और पेरेंट को नए नए डिशेस को ट्राई करने में कितना इंटरेस्ट है। ये तीनों फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं कि आप एक्चुअली बच्चे को क्या खिलाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं खिला रही हूँ वो आपको खिलाना है, लेकिन एक बात बॉटम लाइन है, एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, और वो ये है कि जो भी आप खिलाएं वो न्यूट्रिशनली डेंस होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। और लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो भी चीज़ में ड्राई फ्रूट पाउडर डल सकता है वहाँ पे ड्राई फ्रूट पाउडर ज़रूर डाल दीजिए। ड्राई फ्रूट पाउडर एक बैकग्राउंड में जो हीरो होता है उसकी तरीके से काम करता है, जैसे फिल्म होती है, फिल्म का डायरेक्टर होता है वही उसकी बैकबोन होता है, वैसे ही ड्राई फ्रूट पाउडर बच्चे के लिए काम करता है। ड्राई फ्रूट पाउडर अगर आप डेली बच्चे को दे रहे हैं तो आपको उसकी इम्यूनिटी की और वेट गेन की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। आई होप ये जो कंपाइलेशन है ये आपको पसंद आया होगा। और भी कोई टॉपिक आपको चाहिए कि मैं उसे शूट करूँ तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं फटाफट से उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हो, मॉम की डायरी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जल्दी जाके उसे फॉलो करिए और वहां पे भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स फॉलो करते रहिए। तो चलिए मिलेंगे एक और यूजफुल और हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।